उसमें भी हम लोगों ने स्टार्टिंग जो दी थी और वर्टिकल डिजाइन में मैंने आपको बताया था चैम्बर पार्ट चैम्बर पार्ट दूसरा एक्सटेंशन और आस्पेक्ट के कितनी डेवलप हो गई तीसरी बात पेयर टीम क्या है स्पाइक याद है आपको और मैंने बोला था कि पांच का फाइलम को डिवाइड करोगे तो क्या आता है क्लास तो इसमें कितनी क्लास बनी थी पांच क्या पार्ट बोला था तीन पार्ट तो इसमें वर्टिब्रेटा में दो डिविजन कितने डिविजन है दो डिविजन मतलब वो प्लांट बनाने दो भाग है हम और आप डिवाइड करते दो भाग एक जिसमें चढ़ना तो बोलते हैं और एक जिसमें चढ़ना है हम लोग किस वाले में इसमें चढ़ा नहीं है जिसमें चढ़ा है नहीं है एक होगा जब क्लास बहुत बड़ी होती है तो बोलते सुपर क्लास दो सुपर क्लास एक है सुपर क्लास अच्छी होगी अच्छी भी सुपर क्लास बोलते हैं इसी आती है सुपर क्लास इसमें दो हाथ दो पैर थोड़ा इसमें आएगा आराम ए आर ए एम एंथीरिया पेप्टाइड मल्टीप्लेटा को हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया नो डाउट मल्टीप्लेटा जो एक सबफाइलम है उसके अंतर्गत दो डिविजन हमने किए पहला क्या होता है उसमें झगड़ा नहीं होगा ये मतलब नहीं रहता मतलब जॉब ये जॉब है तो रहता है ना साइकिल उसको लेना लैक्टो मतलब होता है झगड़ा और इस्तेमाल मतलब भाव जबकि जॉब प्रेजेंट ही ना भाव फिर सुपर क्लास का थी जब क्या बहुत बड़ी होगी क्या बोलते हैं सुपर क्लास जब मैन बहुत बड़ा होता है तो सुपर मैन बोलते हैं सुपर मैन का तो ऐसे सुपर क्लास इसी और इधर सुपर क्लास टेट्रा पोडा इसमें आ जाएगा अच्छिया जिनमें क्या पाया जाएगा इनमें फिंस पाए जाएंगे बोलो और इनमें क्या होगा इनमें फिंस पाए जाएंगे कितने फिंस पाए जाएंगे टेट्रा मतलब पोडा मतलब फिंस
इन टेट्रामर सब्सिडरीज और इनमें भी स्पाइक है, बताओ हम लोग किस में आएंगे, नंबर हमारे पास क्या है, कितने चार, एक दो तीन चार, राइट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़नी चाहिए, सबसे पहला पढ़ना चाहिए ग्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब क्या होता है, गोल, सर्कुलर, साइक्लो मतलब साइकिल, साइकिल मतलब चक्र, चक्र मतलब गोल, तो यानी साइक्लो का मतलब निकला साइकिल, इसका मतलब निकला साइक्लिक, मतलब सर्कुलर, और इसका क्या मतलब होता है, स्टोमा या स्टोमेटा, तो माउथ कहता है इसका गोल है, गोल इनका माउथ गोल होता है, जबड़ा नहीं है ना, अपने पास भी जबड़ा नहीं होता तो माउथ नहीं होता है, पहला ऐसे होता है ना, ये है जॉब्स प्रेजेंट है इसमें, ये जॉब नहीं होता, गोल इनका माउथ होता है सर्कुलर, दे आर सर्कुलर माउथ एनिमल, सर्कुलर माउथ ऑर्गेनिज्म। अच्छा माउथ सर्कुलर नहीं होता है, हम लोग भी कभी कभी गोल माउथ बनाते हैं, जब कुछ चीज स्टक करती है, सिगरेट बीड़ी सिगरेट से जब चला के पीते हैं, इसके अलावा और भी बहुत, जब कोई ये सब कर रही है माउथ कैसे कर देते हैं, सर्कुलर माउथ कब करते हैं, जब कुछ सक करते हैं, यानी इसी को सेक्टोरियल माउथ बोलेंगे, एनसीईआरटी में देखो दिया होगा सेक्टोरियल माउथ, सर्कुलर माउथ या सेक्टोरियल माउथ, यह है सेक्टोरियल माउथ। अच्छा अभी अभी बताया कि सेक्टोरियल माउथ क्या करेगा, हेल्प इन सकिंग, अभी क्या सक करेगा, ये सक करेगा ब्लड ऑफ सम फिशेस, यानी ये है एक्टोपैरासाइट, देखो कहीं लिखा होगा इन चैट में, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, अब समझ में आ गया, नाम नहीं छुपा है, सब और सेक्टोरियल माउथ, सर्कुलर माउथ कब होता है, तो सर्कुलर माउथ कब बनाते हैं, जब कुछ तक कर, तो उसके बाद सेक्टोरियल माउथ हेल्प इन सकी ब्लड को सक करेगा, इसलिए एक्टो पैरासाइट है, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं सभी पर, ठीक है। आगे आपको बता दें कि बॉडी सिमेट्रिकल होती है, बॉडी इज सिमेट्रिकल, याद करो कल भी जो ग्रुप पढ़ा था बॉडी में कितने भाग थे, तीन, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक तीन भाग होते हैं, राइट। तो इसमें भी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, ये बोथ थे कैसे फॉर्म लाइन, ये एफिस लाइन, ये एफिस लाइन, लेकिन इसमें स्केल नहीं होगा, स्केल एंड पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड अपेंडिजेस लिख दो, स्केल एंड पेयर्ड अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं, ना तो स्केल होगी और ना ही पेयर्ड अपेंडिजेस होगा, बजाय इसके अनपेयर्ड अपेंडिजेस होता है, अनपेयर्ड समझ रहे हो ना, जैसे हमारे पास दो आंख है इनके पास एक होगी, हमारे पास दो नॉस्ट्रिल है इनके पास एक होगा, हमारे पास दो कान है इनके पास जो भी होगा एक, अनपेयर्ड अपेंडिजेस प्रेजेंट होता है, इसका तात्पर्य यह है अनपेयर्ड अपेंडिजेस प्रेजेंट होता है, पेयर्ड नहीं होता, अनपेयर्ड होता है, समझ में आई बात। तो साइक्लोस्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ वाला एनिमल, माउथ सर्कुलर है, पक्का कुछ ना कुछ कट करता होगा, क्या सब करता है, खून किसका खून पीता है, कुछ फिशेस का, एक्टोपैरासाइट है कि एक्टोपैरासाइट,
और बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होगी। अच्छा और ये किस की लाइन है की है ना, अगर फिक्स होते तो स्केल पाई जाती, पीरियड फेल पाई जाती, पीरियड अटेंडेंस पाई जाती। ये फिक्स नहीं है, इसमें ना तो स्केल है और ना ही पीरियड अटेंडेंस है। इज दैट क्लियर? माउथ है सर्कुलर, ब्लड सक करेगा इसका कुछ बिजनेस का कि सभी बिजनेस का। बॉडी है सिलेंड्रिकल और क्या फिश लाइक एनिमल है, फिश या फिश लाइक, अगर फिश लाइक है तो स्केल नहीं हो और ना ही इनके पास पेयर फेल होगा। अगर फिश होंगे तो ये दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। आगे फिश पढ़ोगे तो ये दो शर्तें अभी से आपके स्केल भी पाया जाएगा, पेयर भी पाया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ये मैरिड वाटर एनिमल, अब एक बात बताओ आप पानी में है तो सांस कैसे लेंगे? ये कितने लैंड होगा, ये उसकी संख्या होती है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 पेयर तक, और यही पे लिखेंगे। जैसे जैसे आगे ग्रुप में बढ़ेंगे, जैसे जैसे एनिमल किंगडम में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब अगला ग्रुप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ये उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, कम होगी। ये उसकी संख्या कम होगी। अगला तो बैलिन एनिमल होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होगा क्योंकि पानी में पाया जा रहा है, फिर से बंदा पेयर होगा जैसे जैसे एनिमल किंगडम में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे गिल्स का नंबर राइट। फिर आगे इनका क्रेनियम और इनका वर्टिब्रल कॉलम बताओ, पहला जो पढ़ रहे हो ना, पहला है ना वर्टिब्रेटा का पहला जो पढ़ रहे हो ना, तो पहले तो तुम पढ़ा नहीं तो एडवांस होगा प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव है तो कार्टेज का बना बना होगा कि बोन का, ये कार्टिलेजनस होता है। कार्टिलेजनस होता है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सेक्स सेपरेट होगा आपको पता है, सेपरेट होगा, लार्वा बनना ही बनना है, लार्वा बनेगा ही बनेगा, लेकिन तो ऐसे मत देखो। इसका एडल्ट कहाँ रहता है, इसका एडल्ट कहाँ रहता है, मरीन वाटर में, लेकिन मरीन वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है बताओ, इसीलिए इसका एडल्ट यहाँ अंडे नहीं देगा, अंडे देने कहाँ से रहता है, फ्रेश वाटर, क्योंकि सॉल्ट अंडों को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए क्या करता है अंडे देने के लिए यहाँ चला है। अंडे देने को यहाँ बोल रहे हैं स्पॉनिंग, देखो एक वर्ड एनसीईआरटी में दिया होगा स्पॉनिंग, यह ना अंडे देने, तो ये अंडे देने के लिए कहाँ चला जाएगा, सेम जगह पे, मैरिड वाटर से सेम जगह कौन सी है, फ्रेश वाटर, क्योंकि वहां सॉल्ट बहुत ना के बराबर है। अब यहाँ अंडे देगा तो यहाँ इसलिए अंडे देंगे, ये रहे एक्स दे दिए यहाँ पे, एक्स देने के बाद जो इनके अंदर जो लार्वा हुआ है ना, ये लार्वा अंदर पनप गया, वो बाहर आएगा लार्वा है चाओ, है चाओ मतलब दे तोड़ के लार्वा का बाहर, और फिर लार्वा यहाँ चलते अपने घर, यहाँ लार्वा अब माइग्रेट कर जाए। लार्वा कहाँ से कहाँ आया जल्दी देख लेता हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ो क्या लार्वा माइग्रेट करके कहाँ से कहाँ चलाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चल जाए, ठीक है।
अच्छा अब इनका क्या होगा, जो एग्रेसर थे जो अंडे दे रहे थे, अंडे देने के बाद एग्रेसर का क्या, अंडे देने के बाद क्या लिख देते हैं अलग से लाइन, आफ्टर स्पॉनिंग द एडल्ट विल डाई, एडल्ट विल डाई विदिन फ्यू डेज, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भाई? क्योंकि आप देखो ना, फ्रेश वाटर वाला है वो, ड्रिंकिंग वाटर वाला एंगल है, फ्रेश वाटर में कितने दिन रहेगा, है ना? अरे छायादार पौधों को धूप में लगा दो, कितने दिन जीवित रहेंगे, मर जाएंगे। या धूप वाले पौधे को छाया में लगा दो, कितने दिन जीवित रहेंगे, मर जाएंगे। एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग मिल रही है, यहाँ पे नमक ज्यादा है, इन लोगों को नमक ज्यादा चाहिए होता है जीने के लिए, यहाँ नमक की मात्रा इतनी कम है जिसके ऑटोमेटिक प्रॉब्लम स्ट्रेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम के कारण ही एडल्ट मर गया। और ये अंडे डालते अंडों से लार्वा बाहर आ गया, लार्वा लार्वा वहां से माइग्रेट नहीं कर पा रहा था, लार्वा माइग्रेट करने के कारण चला गया। समझ आई बात? तो मैं ना नोट डाउन, लार्वा बन रहा है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा कि इनडायरेक्ट, लार्वा बन रहा है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा कि इनडायरेक्ट, अंडे देने के कारण समस्या है, और अंडे देने के बाद जो लार्वा बाहर आते हैं वो अपने ओरिजिनल प्लेस पर यानी मेरिंग बॉडी या उसके अंदर लौट आएंगे। अच्छा ओपन टाइप सर्कुलेशन होगा कि क्लोज, ओपन की क्लोज, क्लोज होगा क्योंकि सारे वर्टिब्रेट में क्लोज होता है। सर्कुलेशन होगा क्लोज टाइट, सर्कुलेशन होगा क्लोज टाइट, और एग्जांपल में आ जाएगा दो लेफ्ट रे, लेफ्ट रे को पेट्रोमाइजोन भी कहते हैं, पेट्रोमाइजोन। और एक आ जाएगा हैग फिश या मिक्सिंग भी कहते हैं, या मिक्सिंग भी कहते हैं, हैग फिश या मिक्सिंग। अभी हम लोगों ने किया था फाइलम वर्टिब्रेटा में दो डिविजन होते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है नेका, ये मतलब नहीं, नेका मतलब जॉ, जॉलेस होगी, नेको मतलब जॉ, और स्टोमेटा मतलब स्टोमा मतलब क्या होता है माउथ, मतलब माउथ में जंदा होता, इनमें एक क्लास आई थी तो हमने भी पढ़ा, हम क्या नाम साइक्लोस्टोमेटा, इनमें दो सुपर क्लास था, यानी क्लास पहली थी तो क्या बोलते हैं सुपर क्लास, इसमें क्लास आई थी तो सुपर क्लास बनाएंगी, पहली सुपर क्लास उसी चीज पे क्या पाई जाएगी, जिसमें स्पेशल ब्रीड आपको होती है ब्रीड, और आगे करके देखेंगे इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इसमें लिंक्स आ जाएगा, इसमें चार क्लासेस आ जाएंगी, और बस चार क्लासेस आ जाएंगी एम्फीबिया रेप्टाइल एप्स, और इसमें क्लियर दो क्लासेस और उसमें चार, ये देखो ये सिलेंडिकल एम्बॉडी टेट्राहेड्रल का फिगर है, क्या लिखा हुआ है, इसके जो भी मेंबर होते हैं, जितने भी इसके मेंबर हैं, इसके ग्लास साइटोस्टोमेटा के, वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट ऑन ऑल फेस के साथ बॉडी कैसी सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल को एलॉन्गेटेड भी बोलते हैं ना,
और कितने दिन सुबह 6 से 15 और इसके लिए काम आएंगे साइक्लोप्रोटिक्स में सकिंग माउथ होगा और सर्कुलर माउथ होगा विदाउट जॉ की विद जॉ विदाउट जॉ। अच्छा ये फिक्स तो है नहीं, फिक्स ही कर रहा है तो इसमें नहीं पाया जाएगा। डिवाइड मतलब एक्सेंट, डिवाइड मतलब होता है एक्सेंट, तो इस पे एक्सेंट होगा। क्या एक्सेंट होगा? स्केल्स और पेयर पिन, और यही पे ट्रैक पे लिखा था कि अनपेयर्ड पिन प्रेजेंट होगा, पेयर्ड पिन नहीं होगा, अनपेयर्ड होगा राइट। अच्छा क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होगा? आर्टिस्ट का सर्विमेंट्री सिस्टम जो साइड होगा साइक्लोजिस्ट के काम आते हैं क्योंकि माइग्रेट करके कहां चले आते हैं क्या करेंगे फॉरिंग मतलब कुछ ही दिनों में विदिन सम डे विदिन फ्यू डे दे दे नाइट रिएक्शन बन जाए। लेकिन लार्वा जो था लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन उसके लिए मैं डिपार्टमेंट में ऑप्शन और इसका नाम है साइटोप्लाज्मा जिसको लैमेला कहते हैं और वैक्सीन जिसको एक्टिस कहते हैं और ठीक है किसका बात है पहले पहले ग्राउंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर क्लास। कौन से सुपर क्लास? फिशीज। फिशीज में क्या आती है? फिशेस। सुपर क्लास को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? क्लास दो क्लास आएगी, क्लास वन क्लास टू, एक को काट ले फिशेस। और एक में आएगा बोनी फिशेस, ठीक है। तो अंडेड फिश और ऑस्टिन फिश भी कहते हैं, तो अंडेड फिश और ऑस्टिन फिश, तो कार्टेशियन को अंडेड फिश कहते हैं और बोनी को ऑस्टिन फिश कहते हैं। तो दो हो गई। अब फिशेस के जनरल कैरेक्टर बताने, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिशेस, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्या होगा बताओ? सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है? अरे एक्वाटिक ऑक्सीजन की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो एक्वाटिक होगी। अब सवाल ये उठता है फ्रेश वाटर की मेरी वाटर दो में पाई जाती है, फ्रेश वाटर की बस में पाई जाती है और डीप वाटर में भी पाई जाती है। अगर एक्वाटिक है तो दिमाग लगाओ क्या पाया जाएगा? एयर प्रेजेंट होगा और रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? एक खास बात, लार्वा कभी नहीं बनता, तो क्या बताओगे? ओनली कैंसर डेवलपमेंट, कैंसर डेवलपमेंट होगा। और क्या खास बात है मछली के लिए? स्केल्स पाए जाएंगे, अभी बताया था ना स्केल्स प्रेजेंट होगी, वो भी मेसोडर्मल इनऑर्चिन, मेसोडर्म से बनेगी, मेसोडर्मल। और क्या होगी? पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होगी या पेयर्ड अपेंडिसेस प्रेजेंट होगी। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, स्ट्रीम लाइन का मतलब समझते हो? पानी की धारा को चीरते चीरने के लिए। अब देखो जब ये पानी इधर है तो पानी ऐसे फ्लो कर जाएगा, पानी को चीर देगी,
वाटर करंट को चीर देगी, और इधर जब पानी आएगा ये पानी ऐसे ऐसे अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी। और मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती है, सुना है? ई थ्रू दिल वाली, सुना है कि नहीं? सुना मैं बताता हूँ, कोल्ड ब्लडेड होती है, इनका खून ठंडा होता है। हमारा कैसा है? गर्म है, टू हॉट, कोल्ड ब्लडेड। क्या इन्हीं को बोलते हैं? वाइक्लोथर्म, वाइक्लोथर्म, वाइक्लोथर्म। हिंदी में बोलते हैं असमतापी। इनका शरीर का तापमान क्या होता है? असमान। तो सुना होगा असमतापी। इनका शरीर का तापमान वातावरण के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। हमारा क्या बदलता रहता है? सेम रहता है, हमारा नहीं बदलता है। सर्दी में भी वही, गर्मी में भी वही, बरसात में भी वही, हमेशा वही है ना। सेम रहेगा 19.5 डिग्री फॉरेनहाइट, सेल्सियस की फॉरेनहाइट। किसी का सेल्सियस है तो वो चल रूम के रात हो चुका है भाई। सेल्सियस में कहां बचोगे? तो फिशेस एक्वाटिक होती हैं, गिल्स जरूर पाया जाएगा, लार्वा कभी नहीं बनेगा, ओनली डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, स्केल्स मेसोडर्मल होगी और पेयर्ड अपेंडिजेस अब पाए जाएंगे। बॉडी का शेप कुछ ऐसा होगा कि पानी की धारा को चीर देगी, और इस तरह की बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी, और कोल्ड ब्लडेड होंगे। इज दैट क्लियर? एक खास बात और है, इसके गिल्स जो होता है और जो कवर करेगा उसका नाम है अपर कुलम। जो ढक्कन है इसका तो अपर कुलम कहते हैं। इसमें गिल ढका रहेगा बोली में, नाम क्या है ढक्कन का? अपर कुलम। इसमें गिल नेकेड रहेगा, हाँ, कार्टिलेजनस भाई। जो एडवांस होगा उसमें ढक, जो नहीं एडवांस है उसमें ओपन है। तो सही कि नहीं? अरे दो तरह के जनरेटर आते हैं, एक एकदम ओपन ओपन विदाउट कैनोपी देखा होगा, और एक आता है फिर कैनोपी। कौन सा ज्यादा एडवांस है? बंद वाला, आवाज नहीं करेगा, साइलेंट होता है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, पोल्यूशन कम करता है, अपने आप को कूल रखता है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं कैनोपी में। वैसे ही ये भी है, कौन सा एडवांस लग रहा है? जिसमें कवर्ड है कि जिसमें जैकेट है? कवर करने से क्या फायदा होगा? कूड़ा कचरा अंदर नहीं घुसेगा भाई। पानी में भी तो कूड़ा कचरा होता है, पत्तियां वत्तियां होती है, एल्गी वगैरह होती है, तो अंदर प्रवेश नहीं करेगी, मतलब सुरक्षा दे दी गई। अच्छा, फ्रिज भी दो टाइप के आते हैं, एक पीछे देखो काफी जाली लगी होगी, अरे देखा होगा बिल्कुल अपडेटेड, उसमें कोई जाली नहीं लगी। ऐसा नहीं कि जाली है नहीं, जाली है पर अंदर ही अंदर कर दी, वो सेल्फ कूल कर लेती है अपने आप। तो कौन सा एडवांस है बताओ? अरे फ्रिज की बात हो रही, फ्रिज की नहीं, कौन सी एडवांस है? राइट, बोरी। इसका माउथ कैसा था जल्दी जल्दी बताओ? इसका माउथ था वेंट्रल, देखो अपने फिगर में,
इसका माप होता है नीचे वेंट्रल, एक और होता है वेंट्रल, इसका माप होता है टर्मिनल, इसका कहता है टर्मिनल, एक अंतर, दूसरा अंतर टेल का आ जाओ, इसका कहता है टेल है, मेट्रो सर्कल, इसका बताओ होमो सर्कल, और बताओ इसमें इसमें क्लास्पर प्रेजेंट है, एक मेल, और सुनना काम तो पता है कॉम्प्लेक्टरी ऑर्गन है, इसीलिए पता है सिंपली कॉम्प्लेक्टरी ऑर्गन होता है इंटरनल प्रोटेक्शन, इंटरनल प्रोटेक्शन ये नियम है, इसमें इंटरनल नहीं होगा तो कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अब लॉजिक सेंस इसमें बताओ कौन सी स्केल होगी, एक वाइट स्केल टफ होती है, हार्ड होती है, इसमें कौन सी स्केल होगी, साइक्लॉइड स्केल होगी, ये प्रीडेटर होते हैं स्वभाव में, प्रीडेटर यानी शिकारी, अच्छा शिकारी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं या परेशान, इंग्लिश में अग्रेसिव की कूल, तो ये अग्रेसिव होगी, अग्रेसिव होगी, ठीक है ना, अच्छा अग्रेसिव होगी तो ज्यादा इंटरेस्ट हो, जो स्ट्रांग होगा कि स्ट्रांग होगा, है ना, जैसे शेर है, शेर बताओ शेर का सबसे स्ट्रांग चीज क्या है, जबड़ा, देखा होगा शिकार को अपने जबड़ा चाहिए, सीधे जबड़े पे अटैक, जबड़े से अटैक, सबसे शेर को सक्सेस कहाँ मिलती है, शेर का जबड़ा इतना स्ट्रांग है कोई भी बड़े से बड़ा जंगली भैंस, जंगली भैंस तो शेर से बड़ी है, बड़ी सी होती है उसका भी शिकार कर देता, सबसे पहले कहाँ अटैक करता, देखा होगा गर्दन, गर्दन पकड़ के तोड़, गर्दन जैसे ही तोड़ी तो नसें टूट जाती, नसें टूट गई खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, कुछ काम होगी फिर आराम से चीर फाड़ कर लेगा, ऑपरेशन करना तो शुरू आता है, तो पहले प्रीडेटर है शिकारी स्वभाव का, दूसरा है एग्रेसिव होगा, और जॉ स्ट्रांग होंगे, जॉ स्ट्रांग होंगे और इनके दांत जो होते हैं वो इस स्केल में मॉडिफाई होते हैं, बिकॉज क्या लिखा होगा, देखो क्या लिखा होगा, टीथ आर मॉडिफाइड रिक्वायर्ड स्केल, रटना नहीं है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना शिकारी है कुछ भी नहीं, नॉर्मल स्वभाव के हैं, नॉर्मल बिहेवियर है, जबड़ा भी नॉर्मल है, तुलना करते जाओ नॉर्मल लिखते जाओ, पीठ भी नॉर्मल, हाँ, और एक बात और बताओ, कभी शेर के दांत देखे, कभी देखे सीधे होते हैं, हमारी तरह सीधे होते हैं कैसे सीधे होते हैं, शिकार को यूं करता है तो पकड़ के छिपे हुक जाता होगा, हुक हुक से क्या होगा पूरा चीर चीर देगा, देखो लिखा होगा बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टर पीछे की तरफ झुके होते हैं, ऐसे ना होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड की तो जो इसमें नॉर्मल होते हैं मछली में होते हैं नॉर्मल नॉर्मल है वो, देखो हुक की तरह बैकवर्ड भी है, इस दैट क्लियर, वो डम, ये हमने कहां से चीजें निकाली, वहीं से निकाली ना, फिगर से माउथ है वेंट्रल उनके टर्मिनल, इनका टेल एट्रोसर्कल, उनका होमो सर्कल, इसमें ग्लास्पर है, इसमें इंटरनल इंटरनल प्रोटेक्शन, इसमें ग्लास्पर नहीं है, इसमें एक्सटर्नल,
इंडेड लिक्विड स्केल में इनमें साइक्लाइड स्केल होती है, ठीक है ना। ये इकाई स्वभाव है, एग्रेसिव है, दूसरा स्वभाव है, जबड़ा वाला स्ट्रांग होगा, दांत लिक्विड स्केल से बने होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, फ्लैट पोजीशन में रहेंगे, उनका हर चीज नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। उसी से सारे अंतर निकाले हैं, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। यहां तक चीजें क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ये मैरिन वाटर होते हैं, मोस्टली मैरिन वाटर, ये मत देखो कि यहाँ केवल मैरिन वाटर, मोस्टली मरीन वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर। इसमें हिल कितने थे, फाइव पेयर, और विदाउट अपरकुलम भी विद अपरकुलम, अपरकुलम था विद अपरकुलम, उसमें विदाउट उसमें विद अपर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं था, आ गया, इसीलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है, डूब जाएंगे, अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो लगातार तैरेंगे नहीं तो डूब जाएंगे, ठीक है ना। तो दे हैव टू स्विम, दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली मतलब डूबना, ये डूबने से बचने के लिए क्या करेंगे, लगातार नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे। इनके अंदर ऑलरेडी नेचुरल बलून है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा, इसलिए ये ना भी तैरें तो डूबे भी फ्लोट करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जैसे अगर आप लोग एक स्विमिंग टायर पहन, स्विमिंग टायर लगते हो ना, स्विमिंग ट्यूब ट्यूब बोलते हैं ना, स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब अगर पहन लो आप ना भी तैरना जानो तो डूबोगे नहीं, चाहे जितना गहरा आप बताइए स्विमिंग पूल में ट्यूब नहीं होगी हवा भरी, तो क्या होता है वो डूबने से बचा लेगी, वैसे स्विमिंग एक्सीडेंट है जगह तैरना पड़ेगा, वो लगातार ना भी तैरे तो भी बच जाएगा। ये मोस्टली बेबी पैडल्स यानी बच्चे देते, ये मोस्टली बेबी पैडल्स होंगे, अंडे देते हैं, ये बच्चे देते हैं, ये अंडे देते हैं, ये नो डाउट। अब इनके एग्जाम्पल, सिर्फ इनके एग्जाम्पल रहे, इनके एग्जाम्पल में आएगा डॉग फिश,
डॉट फेस स्कॉलियोडॉन को कहते हैं, स्कॉलियोडॉन इसको डॉग फिश क्यों कहते हैं, इसकी जो सूंघने की क्षमता है डॉग के बराबर है, सूंघने की क्षमता डॉग के बराबर है, हाँ ये लिए डॉग। और एक होता है ग्रेट व्हाइट शार्क, बहुत बड़ा होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क अभी दिखाएंगे इसके डायग्राम, इसको होता है कार्केरोडॉन, कार्केरोडॉन डॉग फिश स्कॉलियोडॉन और आएगा इसमें सॉफ्ट फिश आरिनुमा माउथ होता है, आरिनुमा मुंह होता है, तो मतलब ऐसे आगे आगे ठीक है, तो होता है फिश सॉफ्ट फिश होते हैं फिश, उसके बाद आएगा इसमें टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे करंट के बाद देती है, जैसे कोई इसको शिकार करने आता है करंट मार, और एक है ट्राइगॉन स्टिंग रे बोलते हैं, स्टिंग रे इसमें होता है पॉइजनस स्टिंग, जहरीला स्टिंग होता है करंट मार देती है, तो डॉग फिश बोलते हैं किसको, स्कॉलियोडॉन को, अच्छा ग्रेट व्हाइट शार्क कार्केरोडॉन दोनों डॉन है, हिडॉन हिडॉन डॉन आ जाएगा शार्क स्कॉलियोडॉन और कार्केरोडॉन, एक है डॉग और एक है ग्रेट व्हाइट शार्क, डॉग फिश प्रिस्टिस को बोलते हैं, डॉग फिश प्रिस्टिस को बोलते हैं, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे को बोलते हैं, करंट मार देती है, सुनाओ बच्चों ये मेरे सामने दिखा दे, स्टिंग रे वाइनस स्टिंग पाई जाती है, वाइनस स्टिंग पाई जाती है, ये किसके एग्जांपल हैं, कार्टिलेजनस फिश के, अब आते हैं धोनी में, धोनी के एग्जांपल में आ जाएगी, पहले मैरिन वाली बता दें, मैरिन के एग्जांपल में आ जाएगी एक तो एक्सोसीटस, इसे बोलते हैं फ्लाइंग फिश, जंप कर सकती है हवा में, जंप कर सकती है, नाम पड़ा फ्लाइंग फिश। दूसरा हिप्पोकैम्पस, ये इसकी शक्ल बिल्कुल हॉर्स की तरह होती है, नाम पड़ा टी और अभी दिखाएंगे दो हो गए। अब आते हैं फ्रेश वाटर ट्रोटो, मैरिन के बाद इसमें आएगी लैबियो, लैबियो यानी रोहू, दूसरी आएगी कैटला, कैटला फिश बोलते हैं, फिर आएगी एक क्लैरियस यानी मरगूट, नाम सुना भी होगा ना,
और फिर स्वर्ग की बात आएगी एक्वेरियम वाली, एक होती है एंजल फिश, और एक होती है फाइटिंग फिश। एंजल फिश का नाम है कैरोफिला, सबसे ब्यूटीफुल होती है, नाम है कैरोफिला, और फाइटिंग फिश बेटा, बी डबल ए बेटा, एक हो गया कैरोफिला यानी एंजल फिश, और एक है फाइटिंग फिश यानी बेटा। ये सारी मैंने आपको बता दी, पहले होगा मरीन वाटर, उसमें दो आएंगे एक्सोसीटस यानी फ्लाइंग फिश, और दूसरा हिप्पोकैम्पस, और फिर दूसरा आएगा फ्रेश वाटर लैबियो रोंडा, उनका नाम होता है लैबियो, और ये गाइस कैटला यानी कतला फिश बंगाल में पाई जाती है, क्लैरियस मधुर है ना, एक्वेरियम में एंजल जो ब्यूटीफुल होती है, और एक जो लड़ा है तो फिशेस लड़ती भी आपस में, इनको बोलते हैं फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश का नाम बेटा। पहले फिर से यूनिक कैरेक्टर देखिए क्या एक साथ पढ़ते, पहले हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन फिश की क्वालिटी, ओस्टिक एसिड थी, ओस्टिक एसिड थी। अच्छा फिर से तो इसका शरीर कैसे हुआ, स्ट्रीम लाइन हवा की तरफ पानी की धारा को खींचते हुए स्केलेटन किसका बना हुआ, कार्टेशियन बाहु की लोकेशन बताओ, चित्रम की रचना फिगर बना के बताएगा, लोटो कॉर्ड मोबाइल का कुछ भी बड़ी बात नहीं, गिर स्ट्रेट इन सेपरेट विदाउट अपर कोलम की बिना पत्र, अपर कोलम किसे बोलते हैं, गिर के कवर इसमें नहीं होता, टाउ दिखाया था तो अच्छा दिखा, इसके टाप होगा क्यों टाप होगा क्योंकि इसके ऊपर दिखाने से क्या, ये बात हम लोग ने लिखी थी, टीम किससे मॉडिफाई होगा, किस स्केल से, कौन से स्केल से, और किस तरह डायरेक्टेड था बैकवर्डली, ये ऐसे तभी तो छीन पाएगा उसको, जबड़ा कैसा था पावरफुल दैट मैन स्ट्रांग ही पाएगा, स्ट्रांग यानी पावरफुल की बात है, ठीक है कि ये एनिमल स्वभाव में कैसे थे, प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब शिकारी, प्रेडेटर, प्रेडेटर, अच्छा इसमें एक्सेंट था, क्या एक्सेंट था, इसीलिए दे हैं टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ट्रेन लाइन का इफेक्ट, इन्हें लगातार रहना पड़ेगा, ठीक है ना, हार्ट कितने चैम्बर, एक ऑर्गन एट्रियम की वर्टिकल, कुछ के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं इसके अंदर, और फिर कुछ के अंदर पॉइजनस स्टिंग भी, किसके अंदर ट्राइगोन, तो हम भी दो एग्जांपल दिखाएं, हार्ट के अंदर ट्राइगोन पॉइजनस स्टिंग लिखा होगा, और टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे लिखा होगा, ठीक है, फिर आगे ये कोल ब्लडेड है होंगे कि वार्म ब्लडेड, कोल ब्लडेड का दूसरा नाम वाइटल ब्लड, इनके अंदर कैपेसिटी को लिखा भी, इनके अंदर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होगी, हमारा तापमान नियंत्रित होता है फिक्स रहता है, नियंत्रित नहीं होगा बदलता रहेगा, कैसे होंगे तो सकते होंगे, अच्छा एक थ्री पहली फिल्म के पास क्या था, प्लेटर कैसे करते थे, डॉपलेटरी, इससे प्रोटेक्शन कैसा होता, और ज्यादातर अंडे देते थे कि बच्चे, कार्टेशियन वाले बच्चे थे, और अभी अभी पढ़ा है एग्जांपल देखो सारे साथ दिखाए, इस वाले डाल का नाम क्रिस्पिस को सॉफ्ट फिश,
कार्केरोडॉन, ट्राइकॉन और पार्टियो ये तो दांत में आने वाले या सॉफ्ट या सॉफ्ट ये तो बहुत बड़ा होता है आपके पीछे उनका वहां पे उनका टिकट ठीक है और किसका एंडोस्केलेटन होगा बोन का इसकी बॉडी कैसी होगी स्ट्रीमलाइन माउथ कैसा होगा और कितने पेयर गेम्स होंगे फोर पेयर गेम्स होंगे कवर होगा कि नहीं होगा कवर का नाम स्किन की स्किन से ढका है ये छोड़ो एयर ब्लडर प्रेजेंट विद रैपिड बियोंसी एयर ब्लडर होगा जो भार को कम करेगा है ना प्रोटीन मदद करेगा बियोंसी क्या होता है तैरना जो तैरने में मदद करेगा हार्ट के कितने चैम्बर होंगे दो ये तो कौन है ये तो कॉमन कैरेक्टर अच्छा ये भी कॉमन कैरेक्टर है कि दोनों गोल ब्लडेड होंगे सही है अच्छा सेक्स दोनों का सेपरेट होगा बट नाइट्रोजन इनमें कैसा होगा ना मोस्टली बच्चे देंगे या अंडे देंगे हाँ और डेवलपमेंट दोनों का कैसा होता है आपने दिखा भी नहीं था डार्वनी का नहीं डार्वनी बनता है अच्छा अभी बताया था मेरिट में दो आए एक फ्लाइंग फिश यानी एक्सोफिटस फ्लाइंग फिश यानी एक्सोफिटस एक हिप्पो कैंपस यानी की और अब आगे फ्रेशवाटर में लैबियो रोहू कैटा यानी तत्ता और कैरियर यानी मंगल और एक्वेरियम में दो आएगी एक जो लड़ाई करेगी बेटा और एक जो बहुत ब्यूटीफुल होती है एंजल फिश कैरोफिटम एंजल फिश क्या क्लियर है पूरा फिश कवर हो गया देखो इन्होंने ऐसे कवर किया ना अपने कंपेयर कर लीजिए बहुत से ज्यादा दिन तक याद कंपेयर वाले भूलोगे नहीं ठीक है ना चलिए ये क्वेश्चन है बताइए विच ऑफ फॉलोइंग ये फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कॉर्टेक्स कौन सा फीचर कॉर्टेक्स में पाया जाता है पहला नोटोकॉर्ट प्रेजेंट की अच्छा है प्रेजेंट और सीएनएस इज डॉर्सल हॉलो और सिंगल सही है सही है पैरेंट्स कंसंट्रेटेड बाय दिस सही है हार्ट आगे हुए इंटरमीडिएट साइड सही है और पोस्ट लेमेंट पे इज प्रेजेंट सारे सही सब फाइलम सिफेलोकॉर्टिका भी करते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्टिका कल बात अरे तीन बड़ी तीन सब फाइलम है पहला पहला यूरोकॉर्टिका उसी को ट्यूनिकेटा भी बोला दूसरा सिफेलोकॉर्टिका और तीसरा आज पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा तो बताओ सिफेलोकॉर्टिका में क्या क्या आएगा एबीसीएल एबीसीएल अरे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एम्फियोक्सस उसी को बोलते हैं ब्रैंकियो स्टोमा उसी को बोलते थे लैक्सिलेट तो एक ही तो आंसर आए और ये जो सैड है ना सैड कौन था यूरोकॉर्टिका उदास था इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पढ़िए और बताइए इनकरेक्ट होना है इन वर्टिब्रेट कॉर्डेट इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजस और बोनी मैंडिबुलर बोन सही तो है आया था 1995 ये कि वर्टिब्रेट में या तो कार्टिलेज का वर्टिब्रेट कॉलम होगा या बोन का राइट सिफेलोकॉर्टिक में नोटोकॉर्ड पैदा होगा कहां से कहां तक नोटोकॉर्ड पैदा होगा फ्रॉम हेड टू हेड मीटर एंड पर्सिस्ट फ्रॉम द क्या सही
प्रोटोकॉर्डियल्स आर एक्सक्लूसिवली मैरिड, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है ना। प्रोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ एनिमल इन यूरोकॉर्डियल, इसलिए तो उदास था, कहता है तो टेल में दिया ऊपर से केवल लार्वा के साथ दिया, एडल्ट में तो दिया ही नहीं, इसलिए तो उदास था, राइट। क्या है कि पढ़ के देखना फिर जवाब तुरंत आ जाएगा। एक ऐसा एनिमल है जो मैरी क्वार्टर में आ जाता है लेकिन अंडे देने के लिए दस क्वार्टर में आता है, अंडे देने के बाद वो फिर मर जाता है, लार्वा वापस आ जाता है और उसी अंडे, ये किसके लिए कर रहे हैं। देखो अगर आपने ढंग से पढ़ा ये लीड के क्वेश्चन है, हमने नहीं बनाए लीड वाले, ठीक है ना। सेलेक्ट अबाउट द साइक्लोस्टोमेट अभी किया है, साइक्लोस्टोमेट के लिए बताना है और वन किडनी फॉर अ स्पीसर और हार्ट इज टू चैम्बर्ड एंड पॉसेस फोर पेयर ऑफ गिल्स, तो बताओ क्या होगा। किसके लिए पूछा है, साइक्लोस्टोमेट के लिए पूछा है, चौथा वही नहीं होगा ही नहीं। अब बताओ एक्टोपैरासाइट वाला सही, ये तो गलत हो गया, फिर से बोल रहे हैं वन किडनी फॉर स्पीसर थ्री हार्ट इज टू चैम्बर प्रोसेस टू गेट बॉडी इसके लिए खास कार्ड है जस्ट के लिए पहला सही। अब बताओ कितने कितनों में दो चैम्बर आए और कितने पाइक्लो पंप्स होंगे। अब दो चैम्बर किसमें होता है, दोनों में था तो छाटो जरा, ये ये बोनी फिक्स कैरो पिल्ला बोनी फिक्स, ठीक है ना। और ये गलत है, लाइगेट नहीं लेना, ये गलत है, पेटल फिक्स क्रॉस फिक्स है, ये भी गलत है, फायदा गलत है, ठीक है ना। लैबियो लेना है, ठीक है ना, बोनी है, कैरा कैरा लेना है, टॉर्पेडो लेनी है, टाइपा लेनी है, कितने भी एक दो तीन चार 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 पांच छह सात आठ आठ एक दो क्लैरियस, आप क्लैरियस भी तो आ जाए तो नौ आ जाएगा आपका। अब बताओ ये देखो एक बात बोलते हैं, कितनी बोनी फिश है, अभी अभी किया है आठ हो गई, एक ये थी, देखो बोनी का एग्जांपल लिखो, ये एक थी, एक हिप्पोकैम्पस था, एक कैमलू था, एक कैंटा था और क्लैरियस था मंजूर और बेटा कैलोफिला, ये नहीं था, ये नहीं था, बताओ छह से पंद्रह इसमें लगभग पांच पे, इसमें चार पे, ऑल ऑफ
लोहिका वाला नहीं कर पाओगे तो ये कर दो ये बताओ क्या है कौन सा करेक्टली मैच है तीनों तीनों करेक्टली मैच है एक्ट्रोमाइजोन एक्ट्रोपैरासाइट का साइक्लोस्ट्रोमेट का नंबर है सही है इक्टियोफेज रेस्टिल होता है एक्टाइल गलत है आगे पढ़ो दिवला सीन पे आपका सीवीटी दिवला कहाँ है आपका बोला रशिया पीएनए कौन सा इलेक्ट्रिक कार में आता था आपको रिपेयर करने के लिए कौन सा सही चला ये तो उत्तर हो गया ना फाइल लाइक रेस्टिल बार में मदद करता किसे मदद करता करने वाले हैं किसे मदद करते थे उतरने वाले हम किसे मदद करते थे फीडिंग फीडिंग गॉडेड में सभी गॉडेड में कुछ सेम फीचर होते हैं किसको छोड़ के एम्नियॉन नहीं पढ़ाया था एम्नियॉन नहीं पढ़ाया बाकी सब देखो कुछ पढ़ा है आंसर क्या आ जाएगा ये वाला बताओ 56 ऑल कोऑर्डिनेट्स आर बताओ कोऑर्डिनेट्स आर क्या आया क्रिएटिव लाइन लास्ट ईयर आया ये सब तो कर दिया था ना ये तो मैंने करा है ये वाला सब फाइलम सुप्रेलो पार्टेटा नहीं है वो क्या हो गया थैंक यू सो मच ये बताओ ऊपर वाले कैरेक्टर कितने में फिर ऊपर वाले कैरेक्टर पहले तो ऊपर वाले जितने भी कैरेक्टर दे रहा है ना वो दे रहा है कार्टेंस नहीं किसकी हिंट दी है बताओ कहना है कार्टेशियन सेंटर्स कहते हो बैरिन हो स्ट्रीमलाइन बॉडी हो पेंटल बाउंस हो ये सब किसके फीचर है ना अब इसमें से कार्टेशियन कह रहे हैं कितनों में ये फीचर कितनों में होगा कितनों में होगा तो कार्टेशियन को उदाहरण खा दो बताओ जल्दी से ए क्रिस्पिस यानी सॉफ्ट एज ये नहीं आएगा लाइन फेस नहीं आएगी बेटा नहीं आएगा एंजल फेस नहीं आएगी जेरी फेस तो कहीं नहीं आएगी स्टार फेस नहीं आएगी ट्राइगॉन आएगा टॉर्पेडो आएगा सब कुछ एग्जाम्पल पे है ज्यादातर एग्जाम्पल से चीजें पूछी जाएगी और ये देखो एक छोटा सा कुछ नहीं सीखता स्केल माउंटेन क्वांटिटी यहाँ या आप से साथ दे रहे हैं और दूसरी ओर पे दूसरे में आंसर क्या हो गया अब समझ गए बाकी इधर आगे के हैं तो आगे इधर पर से हो गए कि नहीं आगे चलते नहीं मिलेंगे बल्कि एग्जांपल लगभग लगभग आपको याद है देख के बता रहा है पर लगभग लगभग देख के ही तो करना है ठीक है ना इसके आगे का कल करेंगे हम